सो फाइनली 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इस चैनल पे अब 1000 ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पे। एंड जो मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के, जो डीएम्स आते हैं, उसके बेस पे ही मैं आपकी जो वीडियोस हैं वो लेके आता हूँ। एंड आज की वीडियो जो एक हाई डिमांड वीडियो थी वो थी कि भैया इंटरव्यू के बारे में बात करो कि इंटरव्यू में कैसा होता है, अगर ऑनलाइन इंटरव्यू होता है हमें क्या पहन के बैठना होता है, कैसे हमें जवाब देना होता है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे बहुत सारे मेरे पास डीएम्स एंड क्वेश्चंस एंड कमेंट्स आए थे। तो आज की वीडियो में हम उसके बारे में बात कर लेंगे। हमारा COVID-19 का टाइम चल रहा है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपका जो इंटरव्यू है वो घर से हो सकता है। देखो एग्जाम का मैंने किया था क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था, इन केस ऑफ इंदौर, इंदौर ने अपना जो एग्जाम है वो सेंटर पे लिया, लेकिन जो इनका इंटरव्यू प्रोसेस है वो उन्होंने घर से लिया, ठीक है, क्योंकि सब लोगों को दोबारा से सेंटर पे बुलाना, एग्जाम के लिए चलो इंपॉर्टेंट है एग्जाम देना, लेकिन इंटरव्यू के लिए भी सेंटर पे बुलाना वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है स्पेशली इन दीज टाइम्स। तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आपके जो इंटरव्यू हैं वो आपके घर से ही होंगे इन इंदौर, रोहतक, इतने बड़े एग्जाम्स के अंदर भी। रोहतक में क्या हुआ था पिछली बार, रोहतक में हमारा पेपर भी घर से हुआ था एंड इंटरव्यू भी हमारा घर से हुआ था, लेकिन डिफरेंस क्या था इंदौर रोहतक में, इंदौर में दे हैड आस्क्ड यू कि आपको एक वीडियो शूट करके, जैसे यूट्यूब पे हम वीडियो शूट करते हैं एंड सेंड कर देते हैं उनको, तो हमें वैसे एक प्री रिकॉर्ड वीडियो शूट करनी है, उनको भेजनी है टेलिंग देम अबाउट यू नो अपने बारे में एंड आपकी क्या अचीवमेंट्स है उसके बारे में। लेकिन रोहतक के अंदर उन्होंने एंड रोहतक में एंड बाकी और जो कॉलेजेस हैं सबने एक, जैसे आपका गूगल मीट हो गया या वेबएक्स हो गया, इसके इन जैसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपका ऑनलाइन इंटरव्यू लाइव लिया था। तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपके पास हो सकता है, जैसा भी ठीक लगता है कॉलेजेस को। अब घर से इंटरव्यू होता है तो आपको क्या चीज़ों को ध्यान रखना है, पहले तो एक अच्छा इंटरनेट, ठीक है, आपका इंटरनेट बार बार अटके ना, बार बार रुके ना, क्योंकि इंटरव्यू का आपको मौका एक ही बार मिलेगा, अगर आपने उसमें गड़बड़ कर दी तो वो बार बार आपके पीछे नहीं भागेंगे। तो इंटरनेट अपना ठीक रखना, एक लैपटॉप अपना ठीक सा रखना, ठीक है, एंड उसके ऊपर तो और तुम्हें ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं। उसके अलावा अगर जो मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि भैया मैं पहन के क्या बैठना होता, तो ऑब्वियसली यार क्योंकि इंटरव्यू है तो आपको फॉर्मल्स पहन के बैठना है। फॉर्मल्स का मतलब क्या होता है कि आपने शर्ट पहनी है, शर्ट के ऊपर टाई लगाई है, टाई नहीं है तो टाई छोड़ सकते हो, कोट पहना है, सो दिस इज लाइक अ फॉर्मल लुक आपको मिलता है। लड़कियां भी सेम कर सकती हैं, आपका एक टॉप एंड कोट हो गया या शर्ट एंड कोट हो गया, तो ये आपके फॉर्मल्स हो जाते हैं एंड आपको फॉर्मल्स पहन के बैठना होता है। टी शर्ट में जैसे मैंने अभी पहनी हुई है ऐसे नहीं आ सकते हो आप। एंड एक अच्छा इंप्रेशन भी तभी जाता है जब आप इंटरव्यू में एक प्रॉपर तरीके से सिंसियरली बैठते हो एंड उनको लगता है कि हाँ यार जो बच्चा है वो चाहता है इंटरव्यू में आना। हमेशा आपको इंटरव्यू में हम्बल रहना है, सिंसियर रहना है एंड आपको बहुत पोलाइटली बात करनी है, ठीक है। ये तो कुछ चीज़ें हो गई जो आपको इंटरव्यू में ध्यान रखनी है। अब जो होता है क्वेश्चन कि भैया हमसे पूछा क्या जाता है इंटरव्यू के अंदर, तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछे जाते हैं वो उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपसे जो हमेशा पूछा जाएगा वो ये हो सकता है कि टेल अस अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। अब ये एक बहुत ही ओपन एंडेड क्वेश्चन है एंड दिस इज द बेस्ट टाइम। अब ये क्वेश्चन आपसे स्टार्टिंग में पूछ सकते हैं या बीच में पूछ सकते हैं, जब भी पूछें देन समझ जाना कि दिस इज योर टाइम टू टेक द इंटरव्यू इन द डायरेक्शन यू वॉन्ट टू टेक इट। जैसे कि अगर मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में आइडिया है तो मैं क्या करूँगा, मैं समझ जाऊंगा कि ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है एंड मेरे पास ऑप्शन है ये चीज बताने का अपने इंटरव्यूअर को कि मेरे को इस चीज में इंटरेस्ट है, या स्टॉक मार्केट नहीं है, कोई और बच्चा कोडिंग में अच्छा है, या कोई और आपकी कोई ऐसी चीज है जो आपकी को करिकुलर है एंड बाकियों से आपको अलग करती है, तो ये बेस्ट टाइम होता है उस चीज को बताने के लिए। नाउ टेल अस अबाउट योरसेल्फ में आप इस क्वेश्चन का आंसर आराम से सोच सकते हैं एंड जितना अच्छा आंसर दे सकते हैं उतना अच्छा आंसर दें यहाँ पे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि व्हाई दिस कॉलेज, ठीक है, कि आप भाई आई एम इंदौर से क्यों करना चाहते हैं, आई एम रोहतक से क्यों करना चाहते हैं। तो इस केस में आपको ध्यान रखना है कि आपको ये थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन होता है एंड उनको भी पता है कि इस क्वेश्चन का सीधा आंसर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है। मेरे साथ एक चीज हुई थी, मेरा क्राइस्ट का इंटरव्यू था आई थिंक या सिम्बाइसिस का था एंड दे आस्क्ड मी अ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन कि अगर आपको ऑप्शन मिलता है बिटवीन सिम्बाइसिस एंड आई एम इंदौर एंड रोहतक, क्योंकि मैंने उनको बता दिया था कि आई हैव ऑल्सो फिल्ड द फॉर्म हेयर, मतलब यहाँ पे भी वहाँ पे भी, सो उन्होंने पूछा मुझसे कि अगर आपका आई एम इंदौर में आ जाता है सपोज या आई एम रोहतक में आ जाता है तो क्या आप सिम्बाइसिस में आओगे। तो अगर मैं उनका आउटराइटली नो बोल दूँ
वैसे तो उनको भी पता है कहीं ना कहीं कि एक बच्चा अगर इसको चूज करना हो बिटवीन एन आई एम एंड सिम्बायसिस या क्राइस्ट, तो वो शायद आई एम को यूज करेगा. अगर आपका ऑप्शन, अगर आपका आंसर दूसरा है कि नहीं मैं उतना अफोर्ड नहीं कर सकता है, मुझे सिम्बायसिस में ही आना है, देन आप वो भी बोल सकते हैं. लेकिन ज्यादातर लोगों का आंसर रहता है कि नहीं मैं तो आई एम में ही जाऊंगा यार अगर मेरे पास ऑप्शन आया. लेकिन आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए मेरे ख्याल से. मैंने गलती थोड़ी सी करी थी, मैंने उनको डायरेक्टली बोल दिया कि हाँ मे बी इफ आई गेट एन कॉल फ्रॉम आई एम देन आई विल गो देयर. लेकिन वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं डाला था उस चीज ने, क्योंकि इस केस में अगर आप एक डिप्लोमेटिक आंसर देते हैं कि नहीं आई एम गिविंग माई बेस्ट इन एवरी इंटरव्यू एंड एट दी लास्ट आई विल डिसाइड वेयर आई हैव टू गो एंड सिम्बायसिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड कॉलेज या क्राइस्ट इज ऑल्सो अ वेरी गुड कॉलेज एंड ये करके आपको थोड़ा सा उस क्वेश्चन को गोल घुमा देना है एंड वो भी इस चीज़ को समझ जाएंगे कि उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है उसका कोई सही आंसर नहीं होता है इस केस में. ठीक है, इसका कोई सही आंसर नहीं है इस क्वेश्चन का. ठीक है, तो इस केस में आपको ध्यान रखना है कि जिस इंस्टीट्यूशन का आप इंटरव्यू दे रहे हैं उसको डाउनग्रेड ना करें बेसिकली. थर्ड क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो ये होता है, वेयर डू यू सी योर सेल्फ, समझ गए होगे आप, इन 5 years डू यू सी योर सेल्फ. ठीक है, पूरा ही लिख रहा इन 5 years. तो इसके अंदर आपको बताना है, वो बेसिकली चेक करना चाहते हैं कि आप अपने फ्यूचर के बारे में कितना अवेयर है, कि आप बिल्कुल ऐसे ही हैं कि मेरे को कुछ नहीं पता, बस जहां जिंदगी ले जाएगी वहां चले जाएंगे. भाई ऐसे वाला एटीट्यूड ना रखो तो अच्छा है, क्योंकि आपको बेसिकली ये शो करना होता है कि हाँ मेरे को थोड़ी सी प्लानिंग है अपनी लाइफ के बारे में. मैंने सोच रखा है कि मुझे आई एम से पहले अपना क्लियर करना है 5 साल का MBA, उसके बाद आई वॉन्ट टू गिव दिस एग्जाम, या मुझे कुछ और करना है, मुझे अपना बिजनेस करना है. अगर आपका जो भी आंसर है, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, इसके अंदर कोई राइट या रॉन्ग नहीं होता. बस आपको ये शो करना है कि हाँ मेरे पास थोड़े थोड़े प्लान्स हैं एंड आपको शो करना है कि आप एम्बिशियस हो. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि बस आई एम में आ गए तो बस आपके सर पे पड़ जाएंगे हम, उसके अलावा हमसे कुछ होगा नहीं, तो हम बस आई एम में एक बार घुस जाए आपके पास, उसके बाद तो बस आप ही हमें जॉब लगवा देना. ऐसे वाला एटीट्यूड मत दिखाना. उनको दिखाना कि मेरा और भी कुछ करने का मन है, आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ न्यू वेंचर, या मुझे कुछ और करना है, जो भी आपकी चीज़ है वो आप बता सकते हैं यहाँ पे. ये 3 मेन क्वेश्चन है जो कि आपसे 110% पूछे जाते ही हैं किसी ना किसी वे में. आपके 3 तो ये क्वेश्चन हो गए, तो आपको इन चीज़ का ध्यान रखना है. उसके बाद हम आ जाते हैं आपके को करिकुलर्स के ऊपर. अब को करिकुलर्स को लेकर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस थे अगेन मेरे पास, सो अगर मैं आपके आंसर्स नहीं देता हूँ कमेंट्स में तो समझ जाया करो कि मैं उस पर वीडियो बनाने वाला हूँ. तो को करिकुलर्स में क्या होता है यार, को करिकुलर लोगों को लगता है कि मेरे पास कोई अच्छा को करिकुलर है नहीं, मैंने अपने क्लास 10th 11th में कुछ किया ही नहीं है, मैं केवल बैठा रहता था क्लास के अंदर, पढ़ाई करता था, या मैं पढ़ाई भी नहीं करता था, मैंने एटलीस्ट कुछ नहीं किया मैंने. तो यार पहली चीज़ तो ये गलत है. ठीक है, अपना जितना एक्सपोजर बढ़ा सको, अगर आपके पास ऑप्शन है अभी तो स्कूल बंद है, लेकिन जब भी आपको ऑप्शन मिलता है आपको चीज़ों में पार्टिसिपेट करना चाहिए, बिकॉज बुकिश लैंग्वेज असली नॉलेज नहीं होती है. असली नॉलेज होती है आपको उसके अलावा क्या पता है. बुकिश लैंग्वेज तो सब लोग पढ़ रहे हैं यार, आपकी क्लास में जो 30 बच्चे हैं 40 बच्चे हैं, वो सारे के सारे पढ़ रहे हैं, तो आप उनसे अलग कैसे हुए. आपको उनसे अलग करता है को करिकुलर्स. अब को करिकुलर्स में सबसे बढ़िया चीज़ जो कि वो देखते हैं, अगर आपके पास हो देन बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है, वो होते हैं आपके नेशनल लेवल या फिर जोनल. जोनल होता है मतलब ईस्ट जोन वेस्ट जोन, आपने कुछ खेला है जो स्पोर्ट्स खेलते हैं उनको पता होगा. तो नेशनल स्टेट जोनल, अगर आपने कोई भी ऐसा कंपटीशन खेला है स्पोर्ट्स में या किसी और चीज में, देन दैट इज अ वेरी गुड प्लस पॉइंट जो आपको बताना ही चाहिए. इनका सर्टिफिकेट लेके बैठना, बिकॉज वो आपको दिखाने को बोलेंगे आपने डांस किया है नेशनल लेवल पे, कुछ और किया है. एंड इवन तो कई बार ये भी होता है कि आपका जगह ऑनलाइन इंटरव्यू है, तो आपको अगर आपने बोला कि मैंने आई हैव यू नो डांस्ड एट नेशनल लेवल, मैं किसी और कंट्री गई थी अपनी इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए, देन वो आपको बोल सकते हैं कि अच्छा ठीक है अपना थोड़ा वेबकैम पीछे कर लो एंड एक दो हमें मूव्स दिखाओ. तो उस समय आपको एकदम घबराने जाना है, आपको बहुत कॉन्फिडेंट रहना है, क्योंकि वो भी आपसे यार वो भी इंसान ही है एंड वो बहुत नॉर्मली आपसे बात कर रहा है. अगर उन्होंने आपसे बोल दिया कि अच्छा ठीक है एक दो डांस के मूव करके दिखा दो, अगर आपको भरतनाट्यम आता है ये आता है, देन करके दिखा सकते हो आप. एंड वो कभी कभी बोल भी देते हैं, तो इसको एकदम से ऐसे शौक में मत लेना, बिकॉज मैंने सुना है कि ऐसा हुआ था एक बार. सो आपके नेशनल जोनल लेवल के एक तो वो बेस्ट चीज़ होती है अगर आपके पास है तो. ठीक है, उसके अलावा अगर आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया है कभी, या आपने अपने स्कूल के अंदर कोई हेड बॉय हेड गर्ल साइंस कैप्टन जो भी कैप्टन होते हैं आपके, अगर आप उसमें से कुछ थे स्पोर्ट्स कैप्टन थे, देन वो चीज़ें आप बता सकते हो. वो भी आपकी काफ़ी हेल्प करती हैं शो करने में कि आपने कोई ना कोई पोजिशन हेल्ड करी हुई है पास्ट में. अगर आप ओरेटर थे, अगर आपने कभी यू नो माइक संभाला है अपने स्कूल में अपनी असेंबली में,
कोई आपने एनुअल डे होस्ट किया था अपने स्कूल में, देन उसके बारे में बता सकते हो। देखो यार, अगर आप कोई उनको बेकार चीज बताते हो ना कि मैं एनजीओ मैंने काम किया था, एनजीओ में पूछेंगे आपने क्या काम किया था, तो मैं बस वहाँ समोसे और पैटी देने गया था लोगों को एक बार, तो यार ये काम मत करना। वो समझ जाते हैं कि आप बस बताने के लिए बता रहे हो। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आपको लोगों से अलग करे। अगर आपने एनजीओ में जेन्युइनली कोई काम किया है, मतलब आप किसी एनजीओ के साथ जुड़े हुए थे एक साल से, आपने बच्चों को वहां जाके पढ़ाया है, तो उस चीज को डालना, नहीं तो फालतू में ये सब चीजें मत बोलना, बिकॉज उससे अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। इससे बेटर ये रहता है अगर आपके पास कोई को करिकुलर नहीं है, तो आप बड़े साफ साफ बोल सकते हो कि नहीं, आई वॉज मोर फोकस्ड वर्ड माई स्टडीज एंड मेरे पास ऐसे कोई को करिकुलर नहीं है। ऐसा बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है यार। अपनी उस केस में अपनी पर्सनैलिटी शो करो कि यार आई एम एटलीस्ट कॉन्फिडेंट अबाउट द थिंग, कि मेरी पर्सनैलिटी तो अच्छी है। मतलब अगर आपका को करिकुलर नहीं है तो एटलीस्ट शो देम दैट यू हैव अ पर्सनैलिटी, बिकॉज वो ये ट्राई करते हैं कि यार उनको, मैंने पहले भी बोला है कि उनको मशीन्स नहीं भरनी है अपने IIM के अंदर या अपने कॉलेज के अंदर, उन्हें चाहिए ऐसे लोग जो कि बाकी चीज़ों में अच्छे हों। दैट्स वाई को करिकुलर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब को करिकुलर जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे, उनको मैं ये सजेस्ट करूंगा, अगर आपको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है अभी भी, देन आप उस चीज़ के ऑनलाइन कोर्स कर सकते हो किसी चीज़ का, अगर आपको करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो भी चीज़ आपको पसंद है, ग्राफिक डिजाइनिंग पसंद है, स्टॉक मार्केट, फाइनेंसेस, कुछ भी चीज़ आपको पसंद है, उसके आप ऑनलाइन कोर्स एटलीस्ट कर सकते हो जिसमें आपको सर्टिफिकेट मिल जाए। तो ये एक लास्ट मोमेंट चीज़ होती है कि अगर आपको कुछ भी नहीं है आपके पास एंड आपको हल्का फुल्का कोई सर्टिफिकेट चाहिए, देन आप कोई ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कर सकते हो, बस ये दिखाने के लिए कि हाँ मैंने ये चीज़ करी हुई है, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गई या कुछ और भी, आप किसी भी चीज़ के कोर्स कर सकते हो। सो ये एक फाइनल रामबाण होता है आपका। अगर आपके पास कोई भी को करिकुलर नहीं है, देन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ये ट्राई कर सकते हो। वैसे अगर आपके पास कोई को करिकुलर नहीं है, देन आप उनको बोल सकते हो कि नहीं मैंने कोई बहुत बड़ी पार्टिसिपेशन नहीं करी है इन माई क्लास 10th, 11th, 12th। एंड एक और चीज़, अपने क्लास 9th के, अपने क्लास 8th के और क्लास 6th के पार्टिसिपेशन ना बताओ तो अच्छी बात है। कोई बहुत बड़ी चीज़ आपने करी हो इनके बीच में तो अलग बात है, लेकिन इनको बताने का कोई सेंस बनता नहीं है, क्योंकि 9th, 6th, 8th ये बहुत पुरानी चीज़ें होती हैं। अगर आपने हाल ही में कोई 10th में 11th में या 12th में किया है, देन आई वुड सजेस्ट कि आप इनकी बात ज़्यादा करो इंटरव्यू में, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आपने कोई यूट्यूब चैनल कभी कुछ स्टार्ट किया है, कोई भी चीज़ आपने एक्स्ट्रा करी है जो कि आपको बाकी लोग से अलग दिखाती है, एंड आपने कुछ अच्छा किया है जो आपको लगता है जिससे मुझे नॉलेज एक्स्ट्रा है किसी चीज़ के बारे में, तो आप उन चीज़ को ज़रूर बता सकते हो। एक जो मैंने और चीज़ पहले बता रखी है एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपके पेरेंट्स क्या काम करते हैं। मैं ये क्यों बोलता हूँ, सबके यार पेरेंट्स कुछ ना कुछ काम करते हैं, एंड बहुत बार ऐसा होता है कि हमें ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता, लेकिन क्योंकि आप उनके बच्चे हो तो आप वो आपको वो चीज़ें बता सकते हैं जो शायद आपको और कोई नहीं बताएगा। यानी कि अगर आपके फादर सपोज बैंक में है, तो आप उनसे थोड़े फाइनेंस समझ सकते हो, एंड अपने इंटरव्यू के वक्त बता सकते हो कि नहीं मेरा कोई को-करिकुलर नहीं है, लेकिन आई सिट विद माई फादर एवरी नाउ एंड देन, आई नो अबाउट बैंक्स फाइनेंसिस। देन एटलीस्ट क्या होता है, आपकी पढ़ाई से हटके आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, यू हैव अ लाइफ अवे फ्रॉम यू नो पढ़ाई ऑल्सो, वो शो होता है। एंड पेरेंट्स में यार, पेरेंट्स बहुत डाइवर्स फील्ड्स में होते हैं, एंड वो आपसे 30 साल आगे हैं लाइफ में, तो उनसे ज़रूर बात करना एक बार इंटरव्यू देने से पहले, ठीक है। अगर आपकी मम्मी फार्मा में है, आपके फादर डॉक्टर हैं, तो एटलीस्ट उनसे ये सब इंसाइट शेयर करना, क्योंकि आप ये बातें भी अगर उनको बताते हो ना इंटरव्यू के वक्त कि मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है अपने पेरेंट्स की जॉब के बारे में, तो उन्हें समझ में आता है कि हाँ यार एटलीस्ट बच्चे ने चलो इंटरव्यू या सॉरी को करिकुलर्स में ज़्यादा कुछ नहीं किया है, लेकिन एटलीस्ट इसे कुछ और नॉलेज तो है, जो एक अच्छी चीज़ होती है। सो अपनी पेरेंट्स जिस फील्ड में हो उसका पूरा पूरा फायदा उठाने की कोशिश करना। जैसे मेरे फादर स्टॉक मार्केट में थे, तो मैंने उनसे स्टॉक मार्केट समझी, एंड मैंने कोई कोर्स नहीं किया, मैंने उनको दिखाया नहीं कि मेरे पास सर्टिफिकेट है, लेकिन मेरे पास नॉलेज इतनी थी कि जब उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे एंड मैंने आंसर दिए, तो वो समझ गए कि हाँ नॉलेज तो इसके पास है स्टॉक मार्केट की, ऐसी कोई बात नहीं है। सो सर्टिफिकेट उसके ऐसे मैटर नहीं करते, अगर आप उनको शो कर पा रहे हो कि आपको नॉलेज है। वैसे सर्टिफिकेट हो तो अच्छी बात होती है, बिकॉज आज की डेट में सब कुछ प्रूफ के ऊपर चलता है। एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, वो ये है कि भैया अकेडमिक्स में हमसे क्या पूछेंगे, यानी कि मैं साइंस का हूँ, मैं आर्ट्स का हूँ, एंड मैं IPM के इंटरव्यू के लिए बैठ रहा हूँ, सो मुझसे क्या पूछा जाएगा, क्या वो जानते होंगे आर्ट्स के बारे में, क्या वो जानते होंगे साइंस के बारे में। सो येस, उनके पास जो प्रोफेसर्स हैं दे वेल नो ऑफ साइंस एंड आर्ट्स ऑल्सो, तो आपके क्लास 11 12th के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पढ़ के बैठना, उनके क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको। अगर आप साइंस के हैं, आर्ट्स से हैं, तो आपसे वो कॉमर्स के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ठीक है। अगर आपको ऐसा डर हो कि मे बी मैं BBA का यू नो BBA MBA करने जा रहा हूँ तो मुझे कॉमर्स पढ़ के बैठना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। कॉमर्स के क्वेश्चंस केवल
उनसे पूछा जाता है जो क्लास 11 12 में कॉमर्स पढ़ रहे थे, तो आपसे स्ट्रीम पूछी जाएगी आपकी कि आपने कौन सी स्ट्रीम से अपना क्लास 11th एंड 12th किया है। अगर आपने साइंस से किया है या जहाँ से भी किया है आप उनको बता सकते हैं, एंड थोड़े बहुत अपने कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करके बैठ सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा आपसे डेप्थ में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, आपसे जो ऊपर ऊपर क्वेश्चंस होते हैं आपके मेन मेन क्वेश्चंस जो बहुत, जैसे अकाउंट्स के अंदर लायबिलिटी क्या होता है, एसेट्स क्या होता है, या और थोड़े से इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हो गए, इंडिफरेंस कर्व क्या होती है, ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ क्योंकि मैं कॉमर्स का हूँ। ऐसे ही आपके साइंस में भी कुछ ना कुछ टॉपिक्स होंगे जो आप पढ़ते होंगे रोज़ के रोज़, तो वैसे वाले टॉपिक्स होंगे जो बहुत मेन मेन होते हैं। आर्ट्स में भी सेम चीज़ हो गई, तो उनको थोड़ा सा अपने रिवाइज रखना, और वैसे कुछ आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है सिलेबस का। उसके अलावा आपसे जो अभी आजकल में आपके करंट अफेयर्स होंगे उससे क्वेश्चन आ सकते हैं कि अभी कौन सीएम बना, कहाँ पे इलेक्शन हुए, तो थोड़ा सा जो आपके करंट अफेयर्स बिल्कुल रिसेंट के होंगे उन पर ध्यान रखना, एक महीना के अराउंड वाले, बहुत पुराने नहीं लेकिन बिल्कुल जो न्यू वाले होते हैं जो अभी बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है उनका ध्यान रखना। थोड़ा सा अपने पेरेंट्स से बात कर लेना, उनसे पूछ लेना कि अभी क्या चल रहा है, मेनली मुझे बता दो अगर आप ज़्यादा न्यूज़ नहीं देखते हो, या खुद न्यूज़ देखते हो देन आपको पता ही होगा। एंड जीके में आपसे कोई मुगल साम्राज्य के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बिल्कुल आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मुझे बहुत पूरी हिस्ट्री सिविक्स पढ़ के बैठनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, बहुत नॉर्मल जीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। हाँ, कुछ क्वेश्चन होते हैं कि आप यूनियन टेरिटरी कितनी है, स्टेट्स कितनी हैं, स्टेट्स के कैपिटल हो गए, तो ऐसे क्वेश्चन का अगर आप सही आंसर नहीं दे पाते हो देन तो यू नो कुछ कर नहीं सकते हैं एंड उसका इंप्रेशन अच्छा नहीं जाता है। एंड कोशिश करने की ऐसी गलतियां ना करो, प्रेसिडेंट का नाम, प्राइम मिनिस्टर का नाम, कई लोगों को प्रेसिडेंट का नाम नहीं पता होता, तो ऐसी गलतियां मत करना। बाकी इनके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं होती है, लेकिन थोड़ा बहुत अपना एक बार बैठ के सोचना कि ऐसे क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस, बहुत बेसिक क्वेश्चंस जो मुझसे पूछे जा सकते हैं। मैंने आपको कुछ एग्जांपल दे दिए यहाँ पे, सो इनका थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ रिवाइज करने हैं स्टेट से कैपिटल वैपिटल, तो ये सब आप कर सकते हो रिवाइज। बाकी इसके लिए कोई अलग से आपको प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। आगे आने वाले जो टाइम में मैं और वीडियोस लेके आऊँगा, कुछ पढ़ाई की भी होंगी, जैसे कुछ चैप्टर्स की होगी, आई नो लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो उनके बारे में चिंता मत करो। मैंने क्वांट के आपके 3 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर दिए हैं, जो कि आपका एवरेजेस, परसेंटेजेस एंड एक चैप्टर और है, 3 मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ मैं, सो उनको चेकआउट कर लेना। उसके अलावा मैं अभी आपको लॉजिकल रीजनिंग की भी कुछ वीडियो साथ साथ में ले आऊँगा ताकि आपको आसानी हो, एंड क्वांट की तो वीडियो आती रहेंगी। पूरा सिलेबस बेसिकली हमें कवर करना है, तो आप चैनल पे सब्सक्राइब करना, आपको सब कुछ नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, कोई अगर आपको डाउट हो कमेंट करना, आपस में बात करो यार, एक दूसरे के डाउट क्लियर करो, उसमें भी हेल्प हो जाएगी। एंड मेरे को यार कोई डीएम कोई काम का हो तो ही करो, नहीं तो बहुत ज़्यादा डीएम हो रहे हैं, मैं इतने रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड आई होप यू लाइक्ड इट, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।